बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस होंगे। आज तो सुमरा असेंबली लैंग्वेज कलेक्शन नंबर 22 है, जिसमें हम स्टैक प्रोग्राम के अंदर रैंडमली वैल्यू स्टैक से गेट करना सीखेंगे। ओके, तो आपको पता है हमने अगर स्टैक से वैल्यू वापस मंगवानी हो तो हम पॉप करते हैं, लेकिन पॉप करने से क्या होता है, बाई डिफॉल्ट जो सबसे लास्ट पे वैल्यू हमने रखी होती है वो पॉप होती है। लेकिन अगर हमने पॉप के किए बगैर अपने स्टैक से कोई रैंडमली अपनी मर्जी से कोई वैल्यू गेट करनी हो, फॉर एग्जांपल आपने चार वैल्यूज खुवाई हैं इसके अंदर स्टैक के अंदर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी सॉल्व करते हैं, आपको इसकी अच्छे से समझ लग जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने फोर वैल्यूज रखवाई, तो आपको पता है जो स्टैक का फर्स्ट इंडेक्स होता है उसमें कोई भी वैल्यू सेव नहीं होती और उसका एड्रेस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मीन एफ 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 ट्रिपल एफ फोर्थ एफ उसका एड्रेस होता है, उसका एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। और आपको पता है ई एक स्टैक के अंदर जो हमारा रियल स्टैक है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, उसके उसमें एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स का जो फासला होता है वो टू डिजिट का होता है। ओके, ठीक है। अब देखें ये जो दूसरा इंडेक्स होगा इसके अंदर जो है, जैसे जैसे ये देखें स्टैक में इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे एड्रेस में दो दो का डिक्रीमेंट होता जाता है, लेकिन जैसे हम ऊपर मूव करते हैं ऊपर की तरफ वैसे वैसे दो दो का इंक्रीमेंट होता रहता है। ओके, तो ये देखिए अब क्या होगा, अब एफ 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 और आगे ये लास्ट वाला जो डिजिट है ये डिक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर अब एड्रेस लिखेंगे ना मेन कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे एड्रेस आएगा ना तो ये बन जाएगा एफ 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 ई, ठीक है, कुछ इस तरह का एड्रेस होगा। ओके, और ये देखें ये डिक्रीमेंट होता जा रहा है। ओके, लेकिन जैसे ये ऊपर जा रहा है ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको पता है ये फर्स्ट जो इंडेक्स होता है हमारा स्टैक के अंदर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, सेकेंड इंडेक्स से वैल्यू रखना स्टैक स्टार्ट करता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ रखवाया फाइव, ठीक है, यहाँ रखवा लिया फाइव, देन उसके बाद इस तीसरे ब्लॉक में हमने फॉर एग्जाम्पल रखवा लिया, मैं यहाँ से इसके साथ लिखता हूँ। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ रख लिया टेन, ओके टेन रख लिया, देन उसके बाद ये नीचे वाले इंडेक्स में मैंने क्या किया, इस इंडेक्स में मैंने रखवा लिया फिफ्टीन। ओके, तो यहाँ मैंने रखवा लिया फिफ्टीन, ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ रखवा लिया फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी, ठीक है, ये रखवा लिया। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास स्टैक में कितनी वैल्यूज हैं, इनका एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एफ 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 और यहाँ पे ई इसे पीछे गया था डी, ठीक है, और यहाँ पे सी, ठीक है, कुछ इस तरह से एड्रेस आप फर्ज कर लें। ओके, तो ये कुछ इनके एड्रेस हैं, ठीक है। अब देखें जरा फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 10 चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप पॉप करती हो तो पॉप कौन सी वैल्यू होगी, आपको पता स्टैक में जो सबसे रीसेंट वैल्यू मीन जो करंटली वैल्यू सबसे लास्ट पे वैल्यू इन होती है वो सबसे फर्स्ट पे आउट होती है, तो सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू इन हुई है, वो ये वाली 20 वैल्यू इन हुई है। ओके, तो लिहाजा जब आप पॉप करोगे तो सबसे पहले यही वैल्यू बाहर की तरफ पॉप होगी। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे 20 सबसे पहले नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो 10 को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि जब आपने ये 10 स्टैक में पुश किया था तब आपको किसी तरह से इस 10 का एड्रेस किसी जगह पे सेव करवाना था। ओके, क्योंकि आपको पता हमने स्टैक से कोई भी वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उस स्टैक के इंडेक्स का एड्रेस होना चाहिए। तो यही चीज़ होती है कि जब आपने जो वैल्यू आपको रैंडमली स्टैक में से चाहिए थी उस वैल्यू के इंडेक्स का एड्रेस किसी तरह से आपने जब उसे पुश किया था ना स्टैक में तब आपने उसका एड्रेस जो है वो किसी जगह पे सेव करवा लेना था, ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम ईजिली उस एड्रेस की हेल्प से वहाँ पर जा सकें और वहाँ से वैल्यू फैच करें। वैल्यू फैच करने के बाद इससे एक और फ़ायदा भी होगा, वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू आपने फैच करनी है अब उस वैल्यू से फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रीवियस वैल्यू चाहिए हो या उस वैल्यू से अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हो तो आप वो भी गेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, वो इस तरह फॉर एग्जांपल आपने जो है 10 वैल्यू फेच करने के लिए इसका एड्रेस सेव करवा लिया, एड्रेस सेव करवाने के बाद आपने क्या किया, आपको ये भी पता कि जिस एड्रेस से हमने प्रीवियस वैल्यू लेनी हो तो उसमें हम दो उसके एड्रेस में हम टू का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ये देखें अगर फॉर एग्जांपल आपको फाइव चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इस एड्रेस में दो डिजिट का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मेरा पॉइंटर यहाँ चला जाएगा। ओके, इस जगह पे मीन ऊपर की तरफ, आपको पता है ऊपर की तरफ दो डिजिट का इंक्रीमेंट एड्रेस में दो डिजिट का इंक्रीमेंट होता है और करंट इंडेक्स से नीचे वाले इंडेक्स के एड्रेस में दो डिजिट का डिक्रीमेंट होता है। तो अगर आपने नीचे वाली वैल्यू हासिल करनी है तो आप सिंपल एड्रेस में दो का डिक्रीमेंट कर दो, और अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू हासिल
करने हैं तो आप 2 का इंक्रीमेंट कर दो। तो सिंपल ये थी रैंडमली वैल्यूज फेच करने का अंदाज। अब हम चलते हैं, मैं आप इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो आप जरा गौर करना। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ ओके, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओ आर जी 100H, ठीक है, ये लिख लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज लेता हूँ, जैसे मैंने अब ये भी आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज ली हैं, ये देखिए हमने आपको 5, 10, 15 and 20 ये 4 वैल्यूज मैंने दी हैं ओके। तो यही यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मूव अकोमोलेटर AX रजिस्टर में क्या सेव करवा दो 5, ठीक है। मूव बेस रजिस्टर में क्या सेव करवा दो 10। तो आपको पता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर 10 कैपिटल एक मीन ये हेक्साडेसिमल को फॉलो करता, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक सेम एज डिजिट होते हैं, लेकिन 10 से लेके आगे आपको सोन असेंबली लैंग्वेज को ये फॉलो करता है ओके। तो 10 होता है कैपिटल एक इक्वल ओके। देन मूव मैंने कहा CX में पुट कर दो 15, तो 15 किसके इक्वल होता है कैपिटल एफ के। देन मैंने कहा मूव DX को इक्वल कर दो 20 के, तो 20 किसके इक्वल होता है 14 के ओके, मीन 14 के हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया पुश PUSH पुश AX। अब देखें AX जैसे पुश होगा तो क्या होगा भला, सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे समझाया, सबसे पहले जैसे AX पुश होगा तो कहाँ जाएगा भला, ये देखें AX की वैल्यू ये दूसरे इंडेक्स में, स्टैक के पहले इंडेक्स में कोई वैल्यू सेव नहीं होती, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू सेव होना शुरू होती है। तो देखें यहाँ पे AX की वैल्यू आगे सेव हो जाएगी 5 ओके, सेव होगी। सेव होने के बाद अब दूसरी वैल्यू मैंने सेव करवानी है किसकी, 10 की। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जिस, अब देखें 10 आगे पुश होगा स्टैक के अंदर तो ये आ गया इस इंडेक्स में। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए था बाद में 10, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपने इसको इस जिस वैल्यू को आपने रैंडमली फेच करना होता है स्टैक से, जब आपने उसे पुश किया था स्टैक में, तब आपको किसी अंदाज किसी तरीके से उसका एड्रेस सेव करवाना है अपने पास। तो यही यहां पे मैं करूंगा, देखना जरा। मैंने यहां पे सिंपल क्या किया, मैंने कहा पुश AX, देन मैंने कहा पुश BX। अब देखें BX की जो वैल्यू 10 है वो स्टैक में जा चुकी है। अब जैसे ही वो स्टैक में गई है तो वो जिस इंडेक्स में गई है तो आपको पता है उस इंडेक्स का एड्रेस मुझे आप फेच करना है ओके। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये कवर करवाया था कि जो करंटली वैल्यू स्टैक में जाती है ना, उस करंटली वैल्यू के इंडेक्स का एड्रेस किसके पास होता है, SP के पास, मीन स्टैक पॉइंटर के पास। तो यही यहां पे मैंने करूंगा, मैंने कहा मूव क्या करो BP मीन BP बेस पॉइंटर जो है मेरा उसको किसका एड्रेस दे दो, उसको SP मीन स्टैक पॉइंटर का। क्यों, ये क्यों मैंने किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि SP के पास किसका एड्रेस है, मेरी जो अभी अभी करंटली वैल्यू स्टैक में गई है ना उस वैल्यू के इंडेक्स का एड्रेस SP के पास है। तो सिंपल मैंने SP से वो एड्रेस लेके किसको दे दिया, बेस पॉइंटर को दे दिया, लेकिन SP के पास वो एड्रेस अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब देखें, अब वो जो एड्रेस था इस BX का, मीन ये जो 10 वैल्यू का एड्रेस था, ये देखें ये 10 वैल्यू जो अभी अभी पुश हुई है इसका एड्रेस FFFD, ये मैंने कहाँ सेव करवा लिया है, ये मैंने बेस पॉइंटर में, मीन BP जो मेरा रजिस्टर है उसमें मैंने सेव करवा लिया। तो अब देखें इजीली अब जब मर्जी मैं इसे फैच कर सकता, इस वैल्यू को 10 वैल्यू को फैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने कहा पुश करो CX। अब CX से क्या होगा, अब तीसरी जो वैल्यू है मेरी 15 वो भी बेस स्टैक में जा चुकी है, ये देखें 15 भी स्टैक में जा चुका है। अब देन 4 वाली वैल्यू जो कि 20 है ये भी मैं स्टैक में भिजवाने लगा हूँ ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा दोबारा से पुश करो PUSH, पुश करो किसकी वैल्यू, DX की वैल्यू, ठीक है। ये पुश कर ली, अब पुश करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब सारी वैल्यू पुश करने के बाद अब मुझे चाहिए 10, ये 10 वैल्यू ओके, 10 वैल्यू जो कि मैंने सेकंड नंबर भिजवाई थी। तो लेकिन मुझे ये रैंडमली वैल्यू फेच करने के लिए, अब देखें स्टैक पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, स्टैक पॉइंटर के पास अब इस लास्ट वाले इंडेक्स का एड्रेस है, क्योंकि जो करंट वैल्यू गई होती है उसका एड्रेस SP के पास होता है, तो SP के पास तो इसका एड्रेस है, और अगर मैं पॉप करता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है। और अगर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 10 वैल्यू चाहिए, तो इसका एड्रेस किसके पास है, तो वो तो मैंने सेव करवाया था किसके पास, बोला बेस पॉइंटर के पास। तो देखें अब मैं यहाँ पे बेस पॉइंटर की हेल्प लूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा मूव करो क्या AX अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर किसकी वैल्यू, अब देखें BP की, BP मीन ये मैंने इलाज के लिए वैसे क्यों लगाई है, मैंने आपको ये कवर अप किया था बहुत इजी अल्फाज के अंदर, वो ये है कि मैंने कहा था अगर किसी रजिस्टर के पास जो एड्रेस होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टली ऐसे लिखते हो, आप लिखते हो BAX, BP, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि BP के अंदर जो वैल्यू, मीन बेस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उठा, कहाँ आप कह रहे हो कि बेस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उठा के AX को दे दो, तो बेस पॉइंटर के पास कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास वो एड्रेस पड़ा हुआ है। तो लिहाजा जब आपने किसी एड्रेस से कोई वैल्यू फेच करनी हो ना, तो उसके लिए हम ये लार्ज कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होगा, अब भला
अब ये होगा, अब ये बेस पॉइंटर के पास नहीं जाएगा बल्कि बेस पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस है ना, जिस लोकेशन का, उस लोकेशन पे जाएगा और वहां से वैल्यू फैच करके ax को दे देगा। तो बेस पॉइंटर के पास किसका एड्रेस था? बेस पॉइंटर के पास टैग के तीसरे इंडेक्स का एड्रेस था, जिसके पास कौन सी वैल्यू थी? 10 वैल्यू थी। ओके, ये वाली। ओके, ये वैल्यू थी। ओके, तो ये 10 कहाँ आ गई? आ गई है ax के अंदर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वैल्यू गेट करनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं बेस पॉइंटर के एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। और अगर मुझे इस 10 से नेक्स्ट वैल्यू हासिल करनी है तो मैं क्या करूँगा, बेस पॉइंटर के करंट एड्रेस में 2 का डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैं करूँगा। अब देखें जरा, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हो मीन नीचे वाली, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा मूव कर दो ax के अंदर। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है जो मैं कह रहा था। तो मैंने सिंपल, अगर मुझे नेक्स्ट नीचे वाली वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा 2 का डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बेस पॉइंटर के एड्रेस में 2 का डिक्रीमेंट होगा। तो असल में वो किसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, वो पॉइंट आउट करने लग जाएगा इस 15 की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि आपके एड्रेस में अगर मैं 2 का डिक्रीमेंट करूँ तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है इसको एड्रेस, और अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 5 के पास। ओके, तो यही यहाँ मैं करूँगा। अगर मुझे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं कहूँगा मूव कर दो ax के अंदर बेस पॉइंटर के एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट कर दो। ओके, करके जो एड्रेस आए उस एड्रेस से जाके वैल्यू फैच करके ax को मैं दे दो, देन लास्ट पे रेड कर दो। तो ये देखिए, अब आप जरा गौर करना, मैं आपको सारा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया और ये सबसे पहले मैं स्टैक ओपन कर दूँ, ये मैं व्यू में गया और यहाँ से ये तीसरे नंबर पर स्टैक के ऊपर क्लिक किया तो ये स्टैक आपके पास आ चुका है। ये देखें, ये स्टैक है और ये स्टैक में जो देखें पहला एड्रेस क्या है, FFFE, देन उसके बाद FFFC, FFFF8, FFFF8, FFFF6, FFFF4, देखिए दो दो का डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, नीचे की तरफ दो दो का डिक्रीमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखें, जैसे ही मैं सिंगल स्टेप करूंगा तो क्या होगा, ax में देखें 5 आ गया, सिंगल स्टेप bx में 10 आ गया, cx में कैपिटल F मीन 15 आ गया, और ये dx में देखें 14 मीन 20 आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें सिंगल स्टेप किया तो क्या हुआ भला, आपके स्टैक के दूसरे इंडेक्स में ये देखें 5 आ गया, मीन ax की वैल्यू आ गई है। अब आगे आपने क्या किया था, आपने कहा था पुश bx मीन जो 10 वैल्यू है वो भी स्टैक में भिजवा दो। अब देखो ये सिंगल स्टैप किया और ये देखो ये bx की वैल्यू भी स्टैक में आ चुकी है। और आने के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि मूव करो bp मीन बेस पॉइंटर में स्टैक पॉइंटर की एड्रेस। तो स्टैक पॉइंटर के पास अभी करंट किसका एड्रेस है, इस एड्रेस FFFA, तो ये देखें SP के पास FFFA है। और अब आप जरा गौर से देखना, ये बिल्कुल SP के नीचे ये देखें आपके पास एक रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है BP मीन बेस पॉइंटर। अब आप गौर करना जरा, ये बेस पॉइंटर के पास क्या एड्रेस आ जाएगा, इस स्टैक पॉइंटर का मीन FFFA। अभी यहाँ पे 00 है, आप जरा गौर करना, मैं इस सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखें बूम गाइस, ये आपने गौर किया, ये BP में क्या आ चुका है, FFFA मीन BX की जो वैल्यू स्टैक में गई थी कैपिटल A वो आ चुकी है, उसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब आप उसे इजीली फैच कर सकते हो। तो ये सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखें ये CX की वैल्यू भी आ चुकी है, यहाँ पे सिंगल स्टेप करता हूँ और ये DX की वैल्यू भी आ चुकी है 14। अब आपने क्या किया था, अब आपने यहाँ पे लिखा था मूव AX कॉमा BP मीन BP के पास बेस पॉइंट के पास जिसका एड्रेस है वहाँ से वैल्यू उठा के किसको दे दो, AX को। तो बेस पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, FFFA। तो FFFA पे क्या पड़ा हुआ है, FFFA पे पड़ा हुआ है कैपिटल A मीन 10 पड़ा हुआ है। तो ये 10 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ AX में आ जाएगा। तो AX में अभी करंटली 5 पड़ा हुआ है। अब आप गौर करना, जैसे मैं सिंगल स्टेप करूँगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये देखें ये आ गया 10, ये 10 आ गया। 10 आने के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने बेस पॉइंटर के में 2 का डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट मीन ये नीचे की तरफ जाएगा। ओके, जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे नीचे FFFA पे पड़ा हुआ है कैपिटल F मीन 15, तो ये 15 कहाँ आ जाएगा, AX में, ये आप गौर करना। ये सिंगल स्टेप करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल F आ गया। और अब आपने क्या किया, आप बेस पॉइंटर में आपने 2 का इंक्रीमेंट किया, मीन आप ऊपर की तरफ आप चले गई हो। तो 2 का इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, करंट जो बेस पॉइंटर के पास एड्रेस है वो है FFFA। तो FFFA में अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करो तो ये बन जाता है FFFC। तो कैपिटल C के पास वैल्यू है 5, तो ये 5 अभी देखें ये AX में आ जाएगा। ये देखना अभी AX में पड़ा हुआ है 15, ये सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखें 5 आ गया। और ये सिंगल स्टेप करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर टर्मिनेट करने लगा। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर आपका टर्मिनेट कर दीजिएगा। ओके, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कैसे आप रैंडमली वैल्यू फैच कर सकते हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को फिर अच्छा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।